स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? ए 22 जुलाई 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। आंसर ए 22 जुलाई 1947। एक्सप्लेनेशन: पिंगली वेंकैया ने 1 अप्रैल 1921 को महात्मा गांधी को यह ध्वज भेंट किया था। ध्वज का अनौपचारिक रूप से कांग्रेस की बैठकों में उपयोग किया गया था और इसे औपचारिक रूप से 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न: राष्ट्रीय तरबूज दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 अगस्त, बी 3 अगस्त, सी 4 अगस्त, डी 5 अगस्त। आंसर बी 3 अगस्त। एक्सप्लेनेशन: राष्ट्रीय तरबूज दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन स्वादिष्ट और ताजगी देने वाले फल का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है, जिसका इतिहास प्राचीन मिस्र से जुड़ा है। इसकी खेती 2000 ईसा पूर्व से चली आ रही है। तरबूज की पहली फसल लगभग 5000 वर्ष पहले मिस्र में उगाई गई थी। पहले तरबूज के बीज अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में व्यापार मार्गों से गुजरने वाले व्यापारियों को बेचे जाते थे। अगला प्रश्न: भारत दुनिया का कौन सा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। आंसर बी दूसरा। एक्सप्लेनेशन: भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। भारत में एल्यूमिनियम का उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 अप्रैल-जून में 10.28 लाख टन थी, जो वित्त वर्ष 2024-25 अप्रैल-जून में बढ़कर 10.43 लाख टन हो गया। चीन दुनिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है। अगला प्रश्न: किस शहर को विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? ए नैनीताल, बी शिमला, सी देहरादून, डी कश्मीर। आंसर डी कश्मीर। एक्सप्लेनेशन: कश्मीर शहर को विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय से विश्व शिल्प शहर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इस समारोह में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष हानी अल कद्दूमी साद और परिषद की अन्य प्रमुख हस्तियां ने भाग लिया। इससे पहले जून 2024 में विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय ने कश्मीर को अपनी विश्व शिल्प शहर सूची में शामिल करने के अपने फैसले की घोषणा की थी। अगला प्रश्न: पुरुष टी20 एशिया कप क्रिकेट के अगले संस्करण का आयोजन किस देश में होगा? ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी भारत, डी बांग्लादेश। आंसर सी भारत। एक्सप्लेनेशन: भारत 2025 में टी20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अगले सत्र की मेजबानी करेगा, जो 2026 में देश में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले होगा। एशियाई क्रिकेट परिषद ने रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण IOI में इसकी घोषणा की। एशिया कप को हमेशा वैश्विक आयोजन की तैयारियों के रूप में प्रयोग किया जाता है और उसी प्रारूप में खेला जाता है जिसमें विश्व कप आयोजित किया जाएगा।